हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिटल मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के सेकंड ट्रेलर के अपडेट के बारे में, जिसमें कि हॉकआई किसी लड़की को ट्रेन कर रहा है। तो आखिर कौन है वो लड़की? तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आए होंगे कि ये लड़की कौन है, इसका कॉमिक बुक नेम क्या है, इसका कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है और इस मूवी में इसका काम क्या है। तो एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो लड़की हमें दिखाई दी थी वो थी हॉकआई की तीसरे नंबर की बेटी। जी हाँ, इससे पहले हॉकआई के दो बच्चे हैं जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें दिखाई दिए गए थे। और देन ये सीन है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से पहले का, ना कि इन्फिनिटी वॉर के बाद का, जिसमें कि हॉकआई अपनी फैमिली के संग आराम से रह रहा है। और देन हॉकआई जिसको ट्रेन कर रहा है उसका नाम है कैट बिशॉप। कॉमिक बुक में ये काफ़ी चालाक एजेंट है और एक यंग एवेंजर है सीक्रेट इन्वेंशन की, जी हाँ, जो कि हमें फ्यूचर में दिखने वाला है। और देन इसका रोल प्ले कर रही हैं कैथरीन। तो कैथरीन काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी में थी और देन उन्हें मार्वल स्टूडियो ने प्रपोजल करा कि आप हमारी मूवी में काम करिए, बट उनका रोल रिवील्ड नहीं हुआ था। और एवेंजर एंड गेम के सेकंड ट्रेलर में इनका रोल फाइनली रिवील्ड हो चुका है, जो कि कैट बिशॉप, जो कि हॉकआई की बेटी है। और देन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यंग एवेंजर्स हमें सबसे पहले दिखाई दिया हॉकआई की बेटी, ना कि टोनी स्टार का कोई बच्चा। और देन कैथरीन को काफ़ी लोग समझ रहे थे कि वो टोनी स्टार की बेटी है, पर मैं आपको बता दूं एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, गुनित पैथलो इस मूवी में प्रेग्नेंट होगी, ना कि उनका कोई बेटा होगा। अब अगर कोई बेटा होगा भी तो वो एंड में दिखाया जाएगा। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उसमें स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।